स्वागत है फिर से आपके YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू रेलवे लाइन के बारे में, जो कि मेलानी से फर्रुखाबाद के बीच बनाई जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर विस्तार से आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। मिथिलेश कुमार ने चेयरमैन को बताया कि मेलानी फर्रुखाबाद नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वे हो चुका है, लेकिन इस परियोजना पर अब तक कार्य शुरू नहीं हो सका है। लगभग 150 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना के पूरा होने से लखीमपुर, शाहजहाँपुर और फर्रुखाबाद के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। क्षेत्र में व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, रेलवे की आय भी वृद्धि होगी। ये रेल लाइन समीकरण दृष्टिकोण से भी उपयोगी बन सकेगी। सैन्य छावनियों के कारण शाहजहाँपुर और फतेहगढ़ जैसे सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक केंद्र का जुड़ाव सीधे मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी और टनकपुर स्थित छावनियों से होने की संवेदनशील रहने वाली उत्तरी सीमा को मजबूती मिल सकेगी। उन्होंने मेलानी फर्रुखाबाद रेल लाइन के लिए धन अवमूल्यित कर कार्य शुरू कराने की मांग की है। मिथिलेश कुमार ने चेयरमैन को बताया कि कोविड से पूर्व रोजा जंक्शन पर हावड़ा अमृतसर मेल, दून एक्सप्रेस, वाराणसी बरेली एक्सप्रेस, BSV, DDN एक्सप्रेस आदि गाड़ियों को ठहराव होता था। कोविड के बाद से यहाँ ट्रेन रोजा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नहीं रुक रही है, इससे रोजा क्षेत्र के लोगों को असुविधा होती है। जनसहित में इन गाड़ियों का ठहराव रोजा में होना चाहिए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने मांग पत्र पर विचार करने की आश्वासन दिया है। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की छोटी सी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।